Radha Swami. Radha Swami. Chetu Hine ka satsanga satsu Chetu Hina Mubarak. मैंने कह दिया मुबारक हो, पता नहीं मुबारक कैसे होगा, हम तो इच्छा करते हैं आपका भला हो, लेकिन जिंदगी का अनुभव ये कह रहा है, ए इंसान तू चाहे जिसको मर्जी भला कह दे, जिसको मर्जी शिकवा दे दे, जिस जिसका मस्त का लिखा वो भोगेगा उससे बच नहीं सकता। तुम्हारा कर्म कोई नहीं धो सकता, ये पहला नियम है जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहा हूं। अब इस स्टेज में आकर पहले मैं भी सोचता था कि शायद कर्म कट जाएंगे, हाँ सूर्य की सुई बनती है लेकिन कर्म जरूर करता है। और फिर मैं एक बात और कह देता हूं कि जिंदगी में जो घटना घटती है तुम्हारे भले के लिए घटती है, जो घटना भी अच्छाई हो बुराई हो नफा हो नुकसान हो मृत्यु हो जन्म हो, ये सब हमारे भले के लिए है, मगर हम मन के धीन आकर हाय 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 कर। संतों की तालीम आम दुनिया के लिए नहीं है, मैं अब ये कहने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि संतों की तालीम इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां अपना कोई नहीं। क्या कहा मैंने, वहां अपना कोई नहीं, ना गुरु ना चेला ना मां ना बाप ना पुत्र ना पुत्री ना बहू ना बेटी, कुछ भी नहीं है। जब आप वहां चले जाते हैं आपको घर वाले भी बेगाने नजर आते हैं, कोई अपना नहीं। कौन है अपना, अपना कौन है, वो है गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवा, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बतमा। इसीलिए चैत महीने का आज मैं आपको थोड़ा सत्संग देता हूं। स्वामी जी महाराज ने चैत महीने में हमें जागृत किया, चेतवान किया, याद दिलाई, खबरदार किया हो भाई ये काम करो ये मत करो। मगर मैं देखता हूं जब स्वामी जी महाराज का समय होगा तो शायद दुनिया बेहतर होगी, शायद उस वक्त दुनिया परिमांस होगी, ईमानदार होगी, सत्यवादी होगी। आज तो कहीं कुछ नजर ही नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन संत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो शास्त्र लेके हमारे लिए, ग्रंथ लेके हमारे लिए, वेद लेके हमारे लिए, वाणी लेके हमारे लिए, हमारी आंख फिर भी नहीं खुलती। क्या कारण है, काल और माया का चक्कर है। अगर सतगुरु मिल गया तो काल का भी पता लग जाता है, माया का भी पता लग जाता है और अपने आप का भी ज्ञान हो जाता है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है तो माया काम नहीं करती, क्योंकि तुम माया से अलग हो, तुम मन नहीं हो। मन से माया पैदा होती है और माया समय के अनुसार पैदा होती है, काल के मुताबिक, समय के मुताबिक, जैसे जैसा हालात आते हैं वैसा वैसा तुम्हारा मन नए नए और पैदा करता है, नए नए ख्याल पैदा करता है, नई नई कल्पने पैदा करता है और तुम उसी में खेलने लग जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो। तो स्वामी जी महाराज पांच छह लाइनें पहले मैं इस पर बोलूंगा, फिर मालिक की मौज पर जो आया वो बोलूंगा। बोलिए महाराज हमें जागृत कर रहे हैं, भैया चेत का महीना आ गया, साल का आखिरी समय आ गया,
पहला महीना आखिरी महीना जेठ महीना, जिंदगी का भी आखिरी महीना आ रहा है। पल पल घड़ी की सुई की तरह टक 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 तुम्हारी जिंदगी पास हो रही है। एक एक श्वास की कदर करनी सीखो, उसको काम में लगाओ, मन को इकट्ठा करो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। इसलिए वो चेता करा रहे हैं, भैया चेत का महीना आ गया है सिर के ऊपर, तू खबरदार हो जा। तू चेता कर, तू कहां से आया है, तू ख्याल कर तूने कहां जाना है, तू सोच तेरा दुनिया में कौन है। तेरा शरीर भी अपना नहीं ना भाई, मैंने इसे अलग होकर देखा है। मेरे सतगुरु ने मुझे शरीर मन और आत्मा से अलग होकर अनुभव करवाया और मुझे पता लगा, ओहो मैं तो उस मालिक का प्यारा हूं, मैं किस बंधन में आ गया। फिर अंदर से जवाब मिलता है, कर्म भोगले बच्चा, कर्म भोगले। तुम भाग्यशाली हो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सतपुरुष मिल गया। ठोकरे खानी बंद हो जाती है, दुनिया के धक्के खाने बंद हो जाते हैं और तुम्हें अंतर का रास्ता मिल जाता है। वो कहते हैं सतगुरु ने भाग्य ऊपर पुल बनाया है। भाग कहते हैं भाग सागर, नदी, दरिया, उसके ऊपर पुल बनाया है सतगुरु ने। वो भाग सागर क्या है? वो कोई दरिया है ना? मैं बचपन में ऐसे ही समझता था कि भाग सागर कोई नदी होगी, क्योंकि मरते समय हिंदुओं में गाय की पूछ पड़ा देते हैं आदमी को, वे तरनी नदी से आदमी को पार कर देंगे। मैं सोचता था शायद कोई नदी होगी भाई जिसको गाय पार कर देती है ना। इंसान, तेरे दिमाग से, तेरे मन से निकलने वाले ख्याल, तेरे मन से निकलने वाली कल्पनाएं, तेरे मन से निकलने वाली योजनाएं, तेरे मन से निकलने वाले अच्छे ख्याल और तेरे मन से निकलने वाले बुरे ख्याल ही तेरा भरोसा करे और कोई नहीं। सतगुरु क्या करते हैं? सत्संग में बैठाकर तुम्हारे मन के उन ख्यालों की दौड़ को बंद कर देते हैं, तुम्हारा रुझान मन का किसी और तरफ लगा देते हैं, ताकि तुम मन के चक्कर से निकल जाओ। ये भाषा करे, दुनिया भाषा करे, सत्संग ही एक ऐसा पुल है जिससे तुम उस भाग्य सागर को पार कर सकते हो। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें जीने का विवेक मिलेगा, जहां तुम्हें राइट थिंकिंग मिलेगी, जहां तुम्हें राइट एक्शन मिलेगा, बाकी तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक और बात है कि अभी अगर कर्म अच्छे नहीं बने, अभी दुनिया के धक्के खाने हैं, ट्रकों में सैर करनी है या ट्रकों में बैठकर जाना है, तो वो अभी कर्म भोग लो। पता नहीं मैं कितने भोगे हैं, तुझे क्या पता। ये तो सतगुरु की दया हुई कि उनके चरणों में मैं आ गया और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। अब वो जो पुल है उसको पार करने के लिए आगे कंडीशन लगाते हैं। फिर पुल पार करना तो पहले महसूस दो। हम हिमाचल में जाते हैं ना, हालांकि मैं वहीं रहता हूं, हमें 30 रुपए देने पड़ते हैं हिमाचल में एंटर करने के लिए। तो क्या भाग सागर से पार करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा? दिल्ली को जाओ, पंजाब का टैक्स, हरियाणा का टैक्स, फिर दिल्ली का टैक्स, तब गाड़ी आपको लगेगा। तो यहां भी कुछ देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा उसको जरा सोच लेना। अपने पड़ी लगाने
सुबह चिंतन कुछ और है, दोपहर को चिंतन कुछ और है, बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं, पत्नी के बारे में कुछ सोचते हैं, बिजनेस के बारे में कुछ सोचते हैं, पार्टियां अपनी थिंकिंग बना रही है, हम सब भवसागर में डूब रहे हैं, कभी अंदर झांकते नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं। आपने कभी सोचा जब आप रात को सो जाते हैं आप कहां होते हो? जब तुम्हें गहरी नींद आ जाती है तो कहां होते हो? तुम मन की जंजीरों से परे हो, तुम कल्पना की जंजीरों से परे हो। जिनका मन बलवान है, चिंता में ग्रस्त है, उनको रात को नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं, क्यों? उन्होंने मन की ताकत को नहीं समझा। मन का ज्ञान केवल सत्संग में होगा, इसलिए वो कहते हैं कि जो सत्संग में आ गया उसको सतगुरु इस पार से उस पार कर देते हैं, भाव सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देते हैं। लेकिन अब पहुंचाने से पहले वो झुकात लेंगे, वो मसूल लेंगे, वो तक्ष लेंगे। तक्ष क्या है? आगे भाव सागर अति गहीर गंभीर सतगुरु पूरे बांधे धीर। भाव सागर अति गहीर गंभीर कि बुढ़ापे में दांत नहीं रहते। बच्चा
दूसरा क्या इशारा हुआ, मेरे कान बंद, अभी भी मुझे पूरा सुनाई नहीं देता, बुढ़ापे में कान भी जवाब दे देते। और क्या अनुभव हुआ कि आंखें भी जवाब दे जाती हैं। एक दिन मैं नहाया, नहा के कपड़े बदल डालना कि आंख बंद हो गई, कुछ दिखने कुछ नहीं दिखे। मैं ये आंख बंद करके देखूं कुछ नजर ना आए, मैं कह दाता ये क्या कर रहे हो, आंख ही नहीं जानी, ले जाना तो सारे ले चलो। दो मिनट के बाद ये नौशन आए, फिर दस दिन के बाद नहाया, ये आंख की नौशन चली गई। मैं दीवार को पकड़ कर खड़ा हो गया, फिर दादा को याद किया, दादा इतना काम है आपने दिया हुआ, वो आंखें बंद से तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पकड़ेगा कौन? नहीं डैक, ये रोशनी भी आ क्या अनुभव हुआ, ना आंख तेरी ना कान तेरे ना दांत तेरे, तो तेरा है क्या? मेरी मेरी करता जगमुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, कभी सामने कोई नहीं कहा, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगे, सब कुछ होते हुए ही सब कुछ अर्पण कर दो। दांत चले गए फिर क्या, मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया फिर क्या किया, आंख चली गई फिर कहा मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया फिर क्या किया। मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा चोला जो है ये उस माल के कुल ने अपने रूप में बना के भेजा है, उसके अंश इसमें विराजमान है, उसको कैदी क्यों किया हुआ है आपने, मन की कल्पनाओं में आप मन के अधीन हुए हुए हो, दास बने हुए हो, जबकि तुम शहंशाह के बेटे हो, तुम्हारी सीमा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए बंधन कोई नहीं है, तुम एक विशाल अति विशाल सागर की एक बूंद हो, उसका अनुभव करो, खिल जाओ खिल जाओ। लेकिन उसका अनुभव करने से पहले ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, पढ़ो
सबसे बड़ा अफसोस क्या है दुनिया में? बात बहुत ऊंची कहने लगा हूं। दुनिया की हर चीज तुम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। लगा लो दौड़, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, हमारी किस्मत गड़बी है, गड़बी उसको दरिया से भर लो, बाल्टी से भर लो, कुएं से भर लो, उतना ही आएगा जितनी तुम्हारी गड़बी है। बात को समझे, गड़बी से ज्यादा नहीं आएगा। मगर एक चीज है जिस पर आप सबका अधिकार है, सबको मिल सकती है, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, कहीं का रहने वाला है, उस सबको वो चीज मिल सकती है। वो क्या है? परम तत्व का ज्ञान। औरत हो, मर्द हो, छोटी कला से हो, बड़ी जवान से हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब पर उसका अधिकार है, सबको वो मिल सकती है। क्या कहा? दुनिया की चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। अरे जो मिलने वाली है, जो तुम्हें मिल सकती है, तुम उसके लिए क्यों नहीं कोशिश करते? और जब वो मिल जाएगी तो दुनिया की सब दौलत तुम्हें मिल जाएगी, कोई कमी नहीं है। जब तुम दादा के हो गए, जब तुम सतगुरु के हो गए, अरे तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खड़ा है तेरा बच्चा, दे 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 तेरे लिए, ये ले 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 ले, निश्चिंत होकर जिंदगी को गुजार, खुशी से जिंदगी को गुजार, मैं तेरे साथ हूं। मगर हम न तन देते हैं, न मन देते हैं, हम सोचते हैं मानता मंत्र को 10,000 रुपया दे दो, भाई गुरु को दे दिया। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करा में भूखे नंगे को दरबार। तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हारी सेवा में खर्च हो रहा है। यहां सतगुरु का काम करने वाले को अधिकार नहीं है तो सत्संगियों का कुछ खाए ना, वो दुनिया और है, वो अज्ञानी है, उन पर मुझे दया आती है, अपना कर्म बताते हैं। जब भी बैठो 5 मिनट 10 मिनट बैठो सुबह शाम, जरा अपनी खोज करो, तुम कौन हो? शरीर को भूल जाओ, गुरु को दे दिया, मन की कल्पनाओं को बंद कर दो, जैसे अब आपकी मन की कल्पनाएं बंद हैं। मैं समझता हूं कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, अब तुम्हारा मन दौड़ नहीं रहा है, ऐसे हो जाओ। और संपत्ति हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ लेकर ही नहीं आए, जो कुछ मिला यहां मिला, हम वहां से बिछड़ गए और जहां तक फंस गए। इस सारे झंझट को जितनी जल्दी हो सके, कम अज कम वो लोग जो 40 साल 50 साल से ऊपर हैं, 60 साल के हो गए, नौजवानों के लिए ये शिक्षा नहीं है, उनको तो बढ़ना है। परम दयाल जी महाराज क्या करते, ब्रह्म बनो, बढ़ो, धन कमाओ, इज्जत कमाओ, शिक्षा ग्रहण करो। मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। मैंने तो 12वीं कक्षा में था जब उनके चरण में है, मैं दीवाना हो जाता ना, बच्चा पढ़ जितना पढ़ सकता है, पढ़ बड़ा बन, बड़ा बना के छोड़ दिया। बड़ा कोई वो है जिसका कद ऊंचा है या जिसकी दिल
प्यार हो जाए। इसलिए तन मन को थोड़ा प्यार करना छोड़ो, खाना खिलाओ इसको, कोई शक की बात नहीं, खाना खिलाओ, कपड़ा पहनाओ, ये तुम्हारा घोड़ा है, इसके तुम सवार हो। ये कमजोर हो गया तो मैं बच्चे की सहायता लेकर ऊपर आया, क्योंकि डेढ़ महीना खाना नहीं खा सका, अब थोड़ा खाने लगा हूं। शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, वह जरूर प्राप्त करो, भिखारी नहीं बनना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो तुम शहनशाह के बच्चे बन जाओ। आगे सूरत बहे तीनों की धार, पाई चढ़ाया गगन मझार। गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस शरीर को महल कहा है कि ये महल है जिसके 12 खंभे हैं, 20 खंभे हैं, 20, 5 5 10 और 5 5 10, 20 खंभे स्तंभ, 9 दरवाजे और 1 दरवाजा बंद है, नीचे 9 दरवाजे हैं ना। और हमारी सुरत जो हम हैं वास्तव में, वो मन के अधीन होकर इन 9 दरवाजों का सारा दिन चक्कर काटते रहते हैं, रात को भी चक्कर काटते रहते हैं। स्वप्न क्या है? मन का खेल। जागृत क्या है? मन का खेल। हम उसी में चक्कर लगाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सतगुरु के पुल पर तुम सवार हो गए, जब तुमने झुकात दे दिया, तन मन धन को भूल गए और सुमरण में रत हो गए, ध्यान में उतर गए, तो तुम 9 द्वारों से छोड़कर गगन में चढ़ जाओगे, ऊपर चले जाओगे। अब मैं जहां थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सारी दुनिया गगन पर जाने के लिए नहीं है, पहली बात, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो वहां से बोला जहां वो रहते थे, सारी दुनिया उस शब्द तक नहीं जा सकती ना। ये तो जिस पर दया आदि करता की सोचे नियमित पाए, उस दया को प्राप्त करने के लिए भी कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी काहे की, मन के संकल्प और सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में मन है। और मन का आधार क्या है? हमारी खुराक तामसिक भोजन है तो मन तमोगुणी हो जाएगा, रजोगुणी खुराक है तो मन रजोगुणी हो जाएगा, और सतोगुणी खुराक है तो मन सतोगुणी हो जाएगा। हम सब में तीनों गुण हैं, लेकिन सतपुरुष में वो निर्गुण होता है, वो तमोगुण रजोगुण को त्याग कर सतगुण में चले ऊपर चला जाता है, क्योंकि सतोगुण जाकर भवन गुफा में खत्म हो जाता है, वहां से सतलोक शुरू हो जाता है, वहां कोई गुण नहीं है। अब यहां से जब हम चलेंगे, यहां से सनातन धर्म गायत्री मंत्र का जाप बताता है, ओम भूर्वा स्वा महाजना तप सत्यम। मुसलमान अपने ढंग से हूत अल हूत मलकूत ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए, और संतों ने उसको कह सरदल कमल त्रिकुटी सुन महासुन भवन गुफा, नाम बदल गए लेकिन स्थान तो नहीं बदले। चाहे कोई हिंदू है उसके अंदर भी सरदल कमल
चाहे कोई ब्राह्मण है उसके अंदर भी सर्जल कमल है, चाहे कोई शूद्र है उसके अंदर भी, सबके अंदर में ये पांच केंद्र हैं। स्वामी जी महाराज सतनाम का जाप करते थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, क्या नाम था व्यास के महाराज का जो पहले थे, बाबा जमन सिंह जी को पांच नाम का नाम देने के लिए कहा। शस्त्राकार, ओंकार, रारंकार, सोहंकार, सत्या, क्यों ये क्यों कहा? क्योंकि इन पांच नाम का स्मरण करने से तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। इसलिए सनातन धर्म ने गायत्री मंत्र का पाठ जाप दिया। गायत्री तीन तरह का गाना, शरीर मन और आत्मा की आवाज सुनो, अंदर हमारे शरीर की भी आवाज है, हमारे मन की आवाज सर्जल कमल में सुनने को मिलती है, त्रिकुटी में सुनने, सर्जल कमल में घंटा है, शंख है, त्रिकुटी में ओंकार की आवाज है, और सुन महासुन में रारंग की आवाज है, महा भवर गुफा में सोहंग सोहंग की आवाज है, और सतलोक में सत 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 की आवाज है। क्या कहा है? अब इनका स्मरण करने से तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, मगर एक शर्त है जो उन्होंने वर्णन नहीं की, मैंने अनुभव किया, परमदयाल जी महाराज ने कहा, अगर इन स्थानों पर नाम जपते हो, तुम लोभी हो तो लोभ बढ़ जाएगा, तुम मोही हो तो मोह बढ़ जाएगा, तुम कामी हो तो काम बढ़ जाएगा, जो तुम्हारी प्रकृति है वो बढ़ जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज ने कहा तुलसी साहब ने, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान ग्यारों का हटा उसको बैठाने के लिए, नाम जपने से पहले मन को शुद्ध कर लो, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा बन जाए फिर काम बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। इसलिए संतों ने ये पांच नाम दिया, लेकिन जिनको आध घर की ख्वाहिश है, जैसे मुझे थी, जैसे मैं बचपन से अपने आप को जानना चाहता कि मैं कहां से आया हूं, मरकर कहां जाऊंगा, रोया करता था 6 साल का, और माता ने कहा बच्चा क्यों रोता है, मैं कह रहा माता मैं कहां से आया, वो अनपढ़ माता थी मेरी, लेकिन बड़ी नेक थी, कहती बच्चा शाह बिना पत्नी गुरु बिना कहती, गुरु के बगैर फिर भेद नहीं मिलेगा, तो गुरु की खोज में पता नहीं कितनी टकरे लगाई, परंतु तत्व की दया हुई मुझे परमदयाल जी महाराज के चरणों में मास्टर मोहनलाल जी के मकान पर ले गए, वहां से मुझे भेद मिला। इसलिए मैं कहने के लिए विवश हूं कि ऐ इंसान, तो अगर उससे बना लेगा अपनी, तो तुम्हें दुनिया की कोई कमी रहेगी ही नहीं, तू मन के दायरे से निकल गया, मन की कल्पनाओं से निकल गया, तो तुझे मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी। फिर वहां ये है, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई, मां से बच्चा दूध मांगता है, वो पैदा होता ही मां के छाती में गंगा की लहर बैठ जाती है, दूध पिया जाती है, कि
कितना बड़ा प्रबंध है उस मालिक का आपके लिए। आप दुनिया में आए नहीं श्री धारण करके, माता के स्तनों में दूध आ गया, कैसे विश्वास नहीं होता। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो अन्न नहीं देगा, हमें विश्वास नहीं आता। हम चोरी करना चाहते, धक्का मारना चाहते, बेईमानी करना चाहते, झूठ मारना चाहते हैं, किस लिए? पेट में तो दो रोटियां जाएंगी, तन पर दो नहीं तो तीन कपड़े पहने जाएंगे, रहने के लिए कितना चाहिए जगह, एक चारपाई चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए। हमने जाल बिछा लिया, जाल, और उस जाल में खुद ही फंस गए, खुद ही फंस गए। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी तरफ जाल बनाता है, बना बना के फिर उसको पानी उबलते में डाल देते हैं, हम पानी में डाल रहे हैं, उबल रहे हैं, पानी में उबल रहे हैं। किस बरम में तुम पड़े हो गए? बलहारी जाऊं सतगुरु अपने के, जिस भरम किया सब दूर, चंदा चढ़िया दुनिया देखे मैं देखो भ्रम दूर। वो भ्रम क्या है? मैं करता हूं निकाल शब्द को, मैं ना 99 पेज निकाल दे भाग दूं सब। ये मैंने हमको मारा, इस मैं का पहले ग्रहण करो, ये क्या है? दादा जाल का शब्द आपको सुना रहा है, पिछले इतवार को मैंने छोड़ दिया था आज के लिए, आज को इसमें संपन्न करूंगा। पढ़िए। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना, मैना मैना मैना, मैना मैना मैना, तन पिगरे मेरे नहीं।
अगर रहा तो मैं कहां रही, मैं गई। परम दयाल जी महाराज जब आया करते थे मंदिर में तो दादा दयाल जी, मैं उनके साथ होता था, लगभग कोशिश करता था उनके साथ चल, दादा के स्वरूप के आगे खड़े होकर कहते थे, दादा तेरी मौज। अब मैं क्या कहता हूं, मेरे सतगुरु तेरी मौज, तेरी मौज है, रख ले तो भी तेरी मौज, ले चल तो भी तेरी मौज, तेरी रजा में रजा हूं, अपनी रजा को छोड़ रहा हूं, देख लिया, मन जो चाहता है वो नहीं होता, जो होता है वो मेरे भले के लिए होता है। इसलिए एक दफा मुझे परम दयाल जी महाराज ने लिखा था, जब मैं सरकार में नौकरी करता था तो हुजूर ने, मैंने कुछ लिखा अपने तरफ से, अपनी हालात को बताया, तो मेरे दादा ने मुझे लिखा, बच्चा क्यों घबराता है, जो कुछ होगा तेरी जिंदगी में तेरे भले के लिए होगा। अब पता लगा, ओहो दादा कितना बड़ा हुक्म है, भूल गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही हो, ऐसा ख्याल बना तुम्हारी जिंदगी बदल। इसलिए दादा दयाल जी महाराज उस हालत में पहुंच कर कह रहे हैं, कहां शरीर को भूलकर, मन को भूलकर, अपने आप को भूलकर शुद्ध रूप में आकर कह रहे हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। तुम थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सूरज की रोशनी निकली हुई है, आप थोड़ी देर में एक मिनट के लिए प्रकाश हो जाए, एक मिनट के लिए आप प्रकाश हो जाए तो क्या प्रकाश में आप अपने आप को देख सकोगे, था नहीं मिली। मैंने आपको मिसाल दी है, इसको सोचो, और जब तुम शब्द रूप हो जाओगे फिर क्या रहेगा, शुद्ध समानी शब्द में ताको काल न खाए, वह काल नहीं, प्रकाश और शब्द में काल नहीं, कल्पना नहीं, भाव नहीं, और तुम भी हो मगर तुम्हारा भी सीमा नहीं, तुम हो, तुम असीम हो, विशाल हो, इस पिंजरे में बंद हो, ये पिंजरे में हम बंद हैं, और हमारा चाप किसके हाथ में है, मन के हाथ में, मन हमें नाच नचा रहा है, जबकि मन के हाथ में चाबक हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए दादा जाग गया, मुझे समय का ख्याल रखना है, जो तू कहता है अंधा है मैं कहता दीवाना, जो तू कहता वह अंधा है मैं कहता दीवाना, मैं तू तू को जो छोड़े वही है चतुर्सियाना, मैं तू तू को जो छोड़े वही है चतुर्सियाना, यह सच्ची बना, यह सच्ची बना, मैना मैना मैना। वास्तव में असलियत क्या है, कत्ल होने वाला भी वही है, कातिल भी वही है, जज भी वही है, सजा देने वाला भी वही है, और सजा भुगतने वाला भी वही है। इससे परे और मैं क्या कहूं,
एक पंजाबी की कविता थी, रब एक कोट धंधा खोलन लगे पेच जिसदे काफर हो जाए बंदा, उसको नहीं जाना जा सकता। एक असीम हस्ती को सीमा में बंधा हुआ कैसे जानेगा, वहां चुप है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, दिया गुल और पगड़ी गाय, दिया गुल और पगड़ी गाय। फिर कहा करते थे, ओ मेरी कई गुआची मैं तो मैंने की होया, ओ मैंने अब देखा मैं चली जाती है। फिर कहा करते थे, ओ रंजा रंजा कहती नहीं मैं आपे रंजा हुई। क्या सच्चाई कही मेरे सतगुरु ने, तुम रंजा हो, तुम शहनशाह के राजकुमार हो, मगर तुम्हारी कामनाओं ने, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें बंधन में डाला हुआ है। सबसे बड़ी भक्ति क्या है मैं बता दूं, सबसे बड़ी भक्ति बेख्वाहिश हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, क्या रहित हो जाना, कामनाओं से रहित हो जाना सबसे बड़ी भक्ति है। सोचो मैंने क्या कहा, ये परमदयाल जी महाराज का दरबार है, मेरा भी, आप सब सतगुरु के स्वरूप हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी लगी कि तुम्हें जगा दूं। जागो, चेतवान हो जाओ, सारा दिन नहीं तो सुबह शाम ही हो जाए करो। कोशिश करो, समय बीत गया हाथ नहीं आएगा। मेरे बच्चे कभी कभी कह देते हैं, डैडी आप जल्दी बड़ी करते हैं, किसी काम को भी अभी खत्म करना है, आज सुबह भी यही बात है। तो मैंने कहा, बच्चों समय की कदर करो, जो अब सांस आया आया सो आया, तब खुले और बंद हुए के राजे जिंदगी नहीं है। सांस मिलता जो कर लो वही भला, शरीर चलता जो कर लो वही भला, जबान चलती मीठा बोलो वही भला, कान सुनते गुरबाणी सुन लो वही भला, जबान चलती है किसी की सिफ्त कर दो रे, चुगली निंदा छोड़ दो रे, बुराई करना छोड़ दो रे, उसमें भी तुम्हारा भला। क्या कहा मैं, हम भटके हुए बाहर, बाहर कुछ नहीं है, बाहर काल और माया का पहरा है, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। मेरे सतगुरु मेरे घट में कहां ढूंढन में जाऊं, मेरे सतगुरु मेरे घट में कहां मैं ढूंढन जाऊं, वो कहीं नहीं है रे, तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे पास है, तुम मुझसे बेमुख हुए हो। जरा आंख बंद करके देखो ऊपर को। बुजुर्ग कहा करते थे कि तुम गुरु की तरफ एक कदम चलो, गुरु तुम्हारी तरफ दस कदम आता है। कैसे, तुम ऊपर को जाओगे, ऊपर जाने में टाइम लगता है, वो ऊपर से नीचे कोई कदम आ जाता है, उसको नीचे
जाने में देर नहीं लगती, तुम्हें ऊपर जाने में देर लगती है। तुम्हारे घट में वो क्या है, वो सतगुरु क्या है? हर इंसान के घट में, औरत हो, मर्द हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, हर एक प्राणी के घट में प्रकाश और शब्द है। प्रकाश सतगुरु के चरण है और शब्द गुरु का रूप है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं, मगर हम पढ़ गए मैं ज्ञानी हूं, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं संत हूं, मैं परम संत हूं। ये सब धोखा है, 420 है, मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल चेतन का बुलबुला हूं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे जब मैं तब गुरु नहीं है, गुरु जब मैं है नहीं, जब मैं तब गुरु नहीं है, गुरु जब है मैं नहीं, प्रेम की गली तंग है भाई दोनों कैसे समाही, प्रेम की गली तंग है भाई दोनों कैसे समाही, दोनों रहते हैं ना, दोनों रहते हैं ना, मैना 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 रे मैना। मोर तोर की माया रसरी प्राणी पास फसाने, मोर तोर की माया रसरी प्राणी पास फसाने, तोड़ के रसरी हो गए न्यारे फिर नहीं मां भर माने, तोड़ के रसरी हो गए न्यारे फिर नहीं मां भर माने। मन की रसरी कहां टूटती है? सहदर कमल में मन नहीं मरता, ख्याल उठाता है। सहदर कमल कोई इसका एक प्रमाण दिया है, कमल का फूल जिसकी हजारों पखड़ियां है वो यहां है, यहां से ख्याल उठते हैं, इसलिए संतों ने इसका नाम सहदर कमल कह दिया। त्रिकुटी में तुम, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा गुरु तीन इकट्ठे हो जाते हैं, इससे उसका नाम त्रिकुटी रख दिया। ध्यान, ध्याता और ध्याय तीनों यहां है त्रिकुटी में। सुन में और मां सुन में मस्ती है, एक आवाज अंदर आती है जिसमें मस्ती है, नारंग कभी सुनो, मेरे तो प्राइमरी स्टेज में मालिक ने सब पूरा कर दिया, अब मैं कभी यहां ठहरता ही नहीं, ना ना मुझे ससुराल याद रहता है, ना त्रिकुटी याद रहती है, ना सुन याद रहता है, ना मां सुन याद रहता है, गुम हो जाता हूं, गुम हो जाता हूं, उसकी दया आती फिर वापस आ जाती है। तो सोहंग में क्या है, भंवर गुफा में मानी बोलता है सोहंग, मैं वही हूं, और जिन्होंने ये कह दिया मैं वही हूं वो उन आम ब्रह्मस में कह दिया, हम ब्रह्मस में कोई भी नहीं, हम सब चेतन के बुलबुले, अपना अपा आप शानू कहा और का नेक न मानू। मगर होता क्या है, सभी आए सतगुरु आगे, दर्शना पकड़ा बचना लागे, कहो सत्संग से क्या फल पाया, जन्म गया और वक्त गया, कुछ तो ले जाओ, कुछ मुझे दे जाओ, अपनी चिंताएं छोड़ जाओ, अपनी फिक्र छोड़ जाओ चार दीवारी में, और जहां से ज्ञान ले जाओ। काहे का तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, और कहां जाना है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है?
आया है और तुम क्या कर रहे हो। मनुष्य जन्म हमें धोखाधड़ी करने के लिए नहीं मिला, जब बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं मिला ना, अपने आप को जानने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कामना करो, पुरुषार्थ करो, जितना हो सकता है शरीर का प्रयोग करो, मगर अगर कहीं असफल हो जाते हैं तो हाय हाय मत करो, उसमें तुम्हारा भला है। एक बार बैसाखी पर पीरे मगा साहब ने कहानी सुना, कहते मेरे पास एक कर्नल आया फौज का, उसकी पत्नी साथ थी, महाराज हमारे बच्चा नहीं है, दया कर। फिर मगा साहब कहते मैंने फल दे दिया, उनके लड़का हो, जब लड़का 4-5 साल का हो गया तो पिता का रिवॉल्वर उठा लिया पिता की तरफ सामने आ गया था, अब शूट कर दिया, वो दौड़ के बचा, मां ने पकड़ा, पीरे मंगा साहब के पास आ गए, कहते महाराज आपने अच्छा आशीर्वाद दिया, लड़का तो हो गया मगर वो तो हमें पिस्तौल दिखाता है, रिवॉल्वर दिखाता है। पीरे मंगा साहब कहते आपने बच्चा मांगा था, ये थोड़ी मांगा था कि कैसा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, प्रेम करने वाला हो जाए, ये थोड़ी मांगा था, बच्चा मांगा बच्चा मिल गया। हमारी मांग भी गलत होती है, मांगो क्या मांगो, सरबत का भला, नानक तेरे पाणे सरबत का भला, सबको खाने को रोटी दे मालिक, सबको पहने को कपड़ा दे मालिक, जो मुझे दिया वो सबको दे, ये मांग। ये नहीं कि मुझे तो मिल जाए लेकिन पड़ोसी भूखा मर जाए, मेरा लड़का पास हो जाए उसका लड़का फेल हो जाए, सबका भला है। अपने से अच्छा मांगो और फिर देखना तुम्हारा नंबर पहले लगेगा। सबका भला मांगोगे ना, तुम्हारा नंबर पहले लगेगा, तुम्हारा भला पहले होगा, करके देखो। इसलिए मैना मैना के मैना तन मिलने में रहकर बोले बोले, मैं मन है, शरीर अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं हूं, तुम ही कहते हो मेरा पैर, मेरे पैर में मोच आ गई, मुझे सुनना बंद हो गया, मेरे कान बंद हो गए, मेरी आंख बंद हो गई, वो जो मैं कहता है मेरा कान वो कौन है, जो कहता है मेरी आंख बंद हो गई वो कौन है, मेरा दांत टूट गया, दांत तो तुम नहीं हो, तुम और हो, तुम पैर नहीं हो, तुम और हो, जरा इस सब को सीख लो। दया जी महाराज ने सिखा दिया, सब कुछ बता दिया, जागो रे जागो, ये वाणी तुम्हारे लिए है, पुकार पुकार कर कह रही है संत, पुकार पुकार कह रहे हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह बनो, तब फायदा, मत्था टेकने से कुछ नहीं, और बोले तो कृपा करके मत्था मत टेका, मेरी हाथ जोड़कर विनती, मैं महसूस करता हूं तुम्हारे मत्था टेकने से मुझे क्या हाथ जोड़ती है, राधा स्वामी कर लिया करो, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, हितैषी होने के नाते तो मेरी इज्जत करो, प्रेम करो,
मुझे गुरु मत मानो ना, ना मैं गुरु बनने आया, मैं तो अपनी खोज करने के लिए आया था। मेरे सतगुरु ने अपने चरणों में लगा लिया और मुझे भेद का पता लग गया। मैं जानता हूं कितना मैं सुखी हूं, तुम भी सभी सुखी हो। बहुत क्या कहूं, नाम जपा करो, जहां कहीं भी बैठ कर नाम जपा करो, यहां जपा करो नाम, जहां तुम्हारी मनोकामना अपने आप पूरी होती जाएगी, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी। बच्चों के बारे में अच्छा सोचा करो, परिवार के बारे में अच्छा सोचा करो, पड़ोसियों के बारे में अच्छा सोचा करो। कभी भूल कर भी किसी का बुरा ना सोचो भैया, तुम्हारा नुकसान है, उसका तो हो गई। तुम्हें पता है ख्याल में कितनी ताकत है? ख्याल ख्याल तुम्हारा ख्याल ब्रह्मन तक जाता है, वो वैक्यूम जो ब्रह्मन में, वहां से वापस तुम्हारे पास ही आता है। अच्छा है तो तुम्हारा अच्छा कर देगा, बुरा है तो तुम्हारा भी बुरा कर देगा। इसलिए मैंने बहुत कुछ, ओ मेरे प्यारे भाई कुलदीप जी बैठे हैं, जब मैं मत्था टेक के निकला तो मुझे कहा टाइम का ख्याल रखना, अभी बैसाखी आ रही है, 2 घंटे भी बोलना पड़ेगा, मैं थकावट महसूस कर लेता, थोड़ा शरीर थकावट महसूस करता है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी प्यारे का कहना भी मान लेना चाहिए, हित करने वाले का कहना भी मानना चाहिए। आप सबका भला हो, बैसाखी आ रही है, सेवा करो, शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से जितनी कर सकते हो तुम्हें उसका फल मिलेगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं मार का आपको खाने को रोटी दे, पहने को कपड़ा दे, रहने को मकान दे, तुम्हारा परिवार सुखी बसे और तुम्हारे मन को शांति मिले। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।